ओए यतिंदर, अरे चिंटू कैसे हो? सब बढ़िया सब बढ़िया यार। कहाँ जा रहा है? कहाँ यार, जिम जा रहा हूँ बस। अरे जिम, रुक जा। अरे तू न्यूज़ नहीं देखता है क्या भाई? ये जिम विम जाने से हार्ट अटैक हो जाता है, मैंने तो कब का छोड़ दिया है, तू भी मत जाया कर। अरे यार यही तो है आधी अधूरी जानकारी। तू एक काम कर, तू ये वीडियो देख, मैं जिम करके आता हूँ। तो देखा आप सभी लोगों ने, रिसेंटली कुछ न्यूज ऐसी आई जिसमें यह कहा गया कि जिम में वर्कआउट करने से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया है कि उन्होंने जिम जाना बंद कर दिया। और कई केसेस में तो उनके घर वालों ने उनको जिम जाने से ही मना कर दिया है। अब बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के, कोई भी रीजन जाने बिना जिम को बदनाम करना, आप सभी बताओ कहां तक ठीक है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर हम बात करें राजू श्रीवास्तव जी की, जिनकी उम्र थी 55 साल, वहीं सिद्धांत सूर्यवंशी की एज थी 45, बट मेरे एक फ्रेंड भी थे जो कि जिम में ट्रेनर थे, जिनकी मात्र उम्र थी 25 साल। इसका यह मतलब है कि हार्ट अटैक का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, हार्ट अटैक आपको किसी भी उम्र में हो सकता है। बट यस, एक जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है हार्ट अटैक का, वो है कि आपको अपनी इंटरनल हेल्थ कैसी है उसके बारे में प्रॉपरली पता नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन होने लग जाती है, यानी आर्टरीज में एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, वो आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। प्लाक फॉर्मेशन होने का रीजन हो सकता है आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और वो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा हो जाना, या फिर आपके ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन होना भी एक रीजन हो सकता है। इन्फ्लामेशन होने के रीजन हो सकते हैं पुअर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत लंबे समय से आपको स्ट्रेस है, या फिर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, एक्सेट्रा। अब जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और कभी कभी वो जो प्लाग है वो रैप्चर हो जाता है और आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और वहां पे एक क्लॉट बन जाता है। फिजिकल एक्टिविटी करते हुए आपको ज्यादा ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट है, बट उस क्लॉट की वजह से, उस ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और हार्ट अटैक हो जाता है। तो आया आप सभी लोगों को समझ में कि लोग इंटरनली फिट ही नहीं होते और जिम जाना शुरू कर देते हैं। तो यानी आप जिम जाने से पहले अपने इंटरनल चेकअप कराओ कि वेदर यू आर मेडिकली फिट और नॉट, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट से रिलेटेड, उनको तो खासकर ध्यान रखना चाहिए, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप डर के घर बैठ जाओ। बट यस, जिम जाने से पहले आपको अपना इंटरनल चेकअप जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप जिम जा भी रहे हो तब भी आपको साल में 3 बार तो अपने हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए, देखना चाहिए कि आप फिट हो मेडिकली या नहीं। बट श्योर, आपकी इंटरनल हेल्थ का ठीक ना होना इज द रीजन ऑफ हार्ट अटैक, नॉट द जिम। मुंबई में जिम करते वक्त एक लड़की की मौत हो गई। जनिडा एक्सरसाइज कर ही रही थी कि अचानक से उसके सीने में दर्द शुरू हो गया। उनके सीने में तेज दर्द हुआ और इसके बाद जब डॉक्टर्स को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस वक्त हुआ जब लड़की वर्कआउट कर रही थी। आजकल जिम में वर्कआउट करना एक ट्रेंड बन गया। सूर्यवंशी फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक थे। राजू श्रीवास्तव को जिम में एक्सरसाइज करते वक्त दिल का दौरा पड़ा और उन्हें सीधे अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जिम में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो लोगों की जान कैसे चली जाती है? और ये है मीडिया का हाल, जो कि बिना किसी प्रूफ के इस तरह की न्यूज दिखाते हैं जिससे कि लोग और डर जाते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, डू नॉट ओवर डू। लोग अधिकतर गलती क्या करते हैं, जब भी वो जिम आते हैं ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वो तुरंत रिग्रेस वर्कआउट शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आएंगे और 10 की स्पीड में सीधा ट्रेडमिल पर भागना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे केसेस में लोग वार्म अप नहीं करते, तुरंत वेट उठाना शुरू कर देते हैं। तो हर चीज़ का एक अपना प्रोसेस होता है,
और उसको प्रोसेस से ही किया जाना चाहिए। इसीलिए जिम करने का अपना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। लाइक जब भी आप जिम आओ, वार्म अप करो एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे उस फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ ताकि आपकी बॉडी उस एक्टिविटी को अडाप्ट कर सके। लाइक एग्जाम्पल, जब भी आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आप सीधा पांचवें गियर में लगा के 100 की स्पीड नहीं प्रेस करते, एक्सेलेटर नहीं दे देते। आप इग्निशन ऑन करते हो, पहला गियर लगाते हो, देन दूसरा, देन जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आप गियर चेंज करते हो। वो एक प्रोसेस है। ऐसे ही आप जब भी जिम आते हो आपको प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए एंड सेम टाइम आपको ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए। यानी जिम में किसी को भी देखा देख वर्कआउट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सबकी क्षमता डिफरेंट है। क्योंकि किसी की एज 20 साल है तो किसी की 40 तो किसी की 60, किसी को अभी एक महीना ही जिम करते हुआ है, किसी को 6 महीना और किसी को साल। तो यानी आपको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी करते हुए किसी भी तरह की अनइजीनेस हो रही है, स्टॉप द एक्टिविटी इमिजिएटली। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपको जिम आने से एक रात पहले माइल्ड फीवर था या डिहाइड्रेशन थी या आप अच्छे से नहीं सोए, तब भी आपको जिम नहीं आना चाहिए। और अगर एक कैलकुलेटिव तरीका समझें जिससे कि हम जिम में एक्सरसाइज करते हुए सेफ रह सकते हैं, वो है कि कभी भी आपको अपनी टारगेट हार्ट रेट के बियॉन्ड नहीं जाना, जिसके लिए आपको अपनी मैक्स हार्ट रेट निकालनी पड़ेगी। वो निकलेगी 220 माइनस योर एज। लेट एज्यूम कि किसी की एज है 20 साल, तो 220 माइनस 20 इज 200, तो वो 200 उसकी हुई मैक्स हार्ट रेट। और मैक्स हार्ट रेट का 75% होता है टारगेट हार्ट रेट। तो इस केस में 200 का 75% हुआ 150। तो यानी उस 20 साल के लड़के को कभी भी 150 बीट पर मिनट से ज्यादा पे वर्कआउट नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग अपना अपना कैलकुलेट कर लेना, बट समझने वाली बात यह है कि आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना, ओवरबोर्ड नहीं जाना, सेम टाइम प्रोसेस को फॉलो करो। जिम आते हुए सबसे पहले वार्म अप करो एंड देन ग्रेजुअली एक्टिविटी को बढ़ाओ, बट इसी तरीके से कूल डाउन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रोहित कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे भैया? ठीक ठाक यार। यार 2 मंथ्स हो गए, बॉडी बॉडी नहीं बन रही, कुछ बताना कुछ कर रहा है यार बॉडी। तो भैया एक काम करो, सामान वामान चलाओ, इंजेक्शन वगैरह लगाओ, फिर देखो 2 महीने में बॉडी बन के तैयार। पागल हो गया क्या भाई तू? तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। तुझे पता है कि इंजेक्शन लगाने से या सामान लेने से बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, कितना नुकसान होता है उसका? तो देखा आप सभी लोगों ने, आज के टाइम की ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि यंगस्टर्स थोड़ी सी बॉडी बनाने के चक्कर में, थोड़ा सा अच्छे दिखने के चक्कर में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है हार्ट अटैक होने का। इवन हार्ट अटैक के साथ साथ उनको और भी बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, लाइक किडनी फेलियर, लिवर फेलियर एक्सेट्रा। बहुत सारी स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं उनकी आर्टरीज में ज्यादा प्लैक फॉर्मेशन होती है। तो शॉर्टकट ना अपनाएं, नेचुरल तरीके से भी बॉडी बनाई जा सकती है, बस आपको थोड़ा समय लग सकता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। इवन आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना होगा, गुड अमाउंट ऑफ कार्ब, प्रोटीन, फैट, इसका ध्यान रखें। और अगर आपको मदद लेनी ही है तो आप सप्लीमेंट की मदद ले सकते हो क्योंकि वो सेफ होते हैं, बट आपको उनको रिकमेंडेड डोजेस में ही खाना चाहिए। तो जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं उनका हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है, और जो लोग ये बोलते हैं कि स्टेरॉइड यूज करने से कुछ नुकसान नहीं होता, तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत नुकसान होता है। आई होप मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर पाया हूं कि जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं होता, बट यस हम सभी को अवेयर होना जरूरी है। बीइंग अ जिम ओनर, मैं सभी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा या उन चंद लोगों से जो ये बोलते हैं कि जिम जाने से हार्ट अटैक होता है, तो जिम को बदनाम ना करें क्योंकि इनसे जिम के बिजनेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सेम टाइम जिम ओनर्स को बस इतना कहना चाहता हूं कि आप जब भी जिसको भी एनरोल कर रहे हो, ये जांच लो कि उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और आप उसको भी बोलो कि वो अपनी इंटरनल हेल्थ का चेकअप कराए बिफोर कमिंग टू द जिम। एक और मैसेज जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं कि जब भी आप जिम जाते हो, वहां पे जो भी ट्रेनर है आप उसकी सुना करो, क्योंकि वो 8-9 घंटे आप सब लोगों के लिए खड़ा रहता है और
वो एलिजिबल है आपको वर्कआउट कराने के। ट्रेनर की सुनो तभी वर्कआउट करो। सेम टाइम ट्रेनर्स को बस इतना ध्यान रखना है कि उसको क्लाइंट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उनको वर्कआउट कराना चाहिए। तो न्यूज़ देखने के बाद ना घबराएं, अवेयर हो जाएं, कई सुनी बातों पर विश्वास ना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट जो मैं ये वीडियो बना के एक मैसेज देना चाहता हूँ अराउंड दिस टॉपिक वो क्लियर हो पाए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसी तरह इस चैनल पर वीडियोज़ बनती रहेंगी, मैं आता रहूँगा आपके समक्ष। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।